तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE सर्वाइवर सीरीज 2021 की। जी हाँ, कल स्मैकडाउन के रिव्यू में बात कर रहे थे किस तरीके से भाई सर्वाइवर सीरीज के बारे में WWE ने कुछ बताया नहीं है, और आज अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जाके पूरा मैच ही अनाउंस कर दिया कि मेंस और वुमेन्स का जो सर्वाइवर सीरीज मैच होता है हर साल, उसके कंपेटिटर्स कौन कौन होने वाले हैं। स्मैकडाउन और रॉ की दोनों तरफ से टीम्स जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस पर मैं अपने थॉट्स आपको बताऊंगा, आपके ओपिनियंस भी डेफिनेटली मैं कॉमेंट्स में लेना चाहता हूँ, तो कॉमेंट करना है आपको फटाफट से जाके जो भी आपके थॉट्स हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे ऑल इलीट रेसलिंग रैम्पेज की, और AEW के बारे में कई सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई उसको भी तो कवर करो, उसका रिव्यू करो, तो इन डेप्थ बात करेंगे CM Punk और Eddie Kingston की उस कमाल की कन्फ्रंटेशन की जो कि कल के रैम्पेज शो में हमें देखने को मिली, और उसके अलावा फुल गियर के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, कौन से ऐसे मैचेस हैं जिसके लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि AEW के सारे रैम्पेज और डायनामाइट के शो में अप टू डेट अब देख चुका हूं, और अब से जो है आपको शोज के रिव्यू भी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सर्वाइवर सीरीज से, और बात कर लेते हैं पहले मेंस सर्वाइवर सीरीज मैच की जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो पहले आती है टीम मंडे नाइट रॉ, और यहां पे है रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, केविन ओवेंस, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस। आई थिंक WWE ने सारे बढ़िया नाम जो उनके पास अवेलेबल थे वो इस टीम के अंदर डाल दिए हैं। मैं काफी इंप्रेस्ड हूं इससे। और अगर हम बात करें टीम स्मैकडाउन की, तो ड्रू मैकइंटायर, जेफ हार्डी, जेवियर वुड, सैमी जेन, हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मॉस। अब आई थिंक हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मॉस की जगह शायद किसी और को रखा जा सकता था, जैसे कि वाइकिंग रेडर्स, पर एक बार फिर से जो है हील और फेस का कॉम्बिनेशन WWE हर टीम में बनाना चाहती है ताकि टीम में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहें। लेकिन एक बात जो कि मुझे अजीब लगी, जिसके लिए WWE के पास टाइम था कि वो इन टीम्स को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते थे, क्वालिफाइंग मैचेस कर सकते थे, और उसकी वजह से मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन इंटरेस्टिंग हो जाती है ओवर द वीक्स कि आखिर किसकी एंट्री होगी टीम के अंदर। लेकिन अब अचानक से इतने सारे सुपरस्टार्स आ गए हैं, तो हमें अगले हफ्ते के शोज पे सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि अभी टीम्स कैसे प्रिपेयर कर रही हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि दोनों टीम्स मुझे काफी अच्छी लग रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं दोनों के अंदर, और अगर मुझे अर्ली पिक करनी हो तो मैं मंडे नाइट रॉ की टीम को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि आई थिंक ऑन पेपर वो बेटर टीम है अगर हम उसको स्मैकडाउन से कंपेयर करते हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में डेफिनेटली मुझे बताएं। और डिटेल में इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको विमेंस वाले मैच का भी कार्ड बता लेता हूं, जो कि ऑब्वियसली एक एलिमिनेशन मैच हमें देखने को मिलेगा। मंडे नाइट रॉ की टीम है जेलिना वेगा, कार्मेला, लिव मॉर्गन, रिया रिपली और बियांका बेलेर, और दूसरी तरफ स्मैकडाउन में साशा बैंक्स, शॉटजी ब्लैकहार्ट, शेना बेजलर, नटालिया और अलिया, जो कि ऑब्वियसली न्यू कमर है इस पॉइंट पे स्मैकडाउन के ऊपर। तो आई थिंक शॉटजी और साशा के बीच में जो फ्यूड चल रही है उसको ऑब्वियसली इस टीम के अंदर दिखाया जाएगा, साथ में नटालिया, शेना बेजलर और अलिया। आई थिंक ये एक काफी जो है हम कह सकते हैं वीक स्मैकडाउन की टीम है। दूसरी तरफ बात करें तो रिया रिपली है, बियांका है और साथ के साथ कार्मेला, लिव मॉर्गन एंड जेलिना वेगा, तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेटर है मंडे नाइट रॉ की टीम। और अगर मुझे अर्ली प्रिडिक्शन करनी हो तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि भाई रॉ का चांस है ज्यादा जीतने का। अब मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शंस वीडियो नहीं है, ओवर द वीक्स हमें और आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इन दोनों मैचेस पे? आई थिंक कि स्मैकडाउन का जो रोस्टर है और रॉ का जो रोस्टर है वो ड्राफ्ट के बाद थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, और फिर से मैं ये बात रिपीट करूंगा कि अगर क्वालिफाइंग मैचेस करे जाते तो हमें शायद रॉ और स्मैकडाउन का जो एपिसोड है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता था, और सेम एग्जैक्ट टीम भी बनाई जा सकती थी। लेकिन शायद WWE उतनी मेहनत नहीं करना चाहती थी सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो सीधा उन्होंने आके गाइस यहां पे हमको ये मैचेस दे दिए। लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर पता लग गया कि सर्वाइवर सीरीज के लिए कोई सोच तो रहा है, और अब बाकी के मैचेस भी हमें जानने को मिल जाएंगे, जैसे रोमन रेंस अगेंस्ट बिग ई। तो ये सारी चीजें गाइस जो हैं अब हमें धीरे धीरे शेप अप होती हुई देखने को मिल रही हैं। आप लोगों के क्या सारे थॉट्स हैं सर्वाइवर सीरीज पर मुझे कॉमेंट्स में बताएं। अब हम ट्रांजिशन ले लेते हैं यहाँ पे और बात करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग के बारे में, क्योंकि कल ये जो सेगमेंट देखने को मिली ना भाई Eddie Kingston और CM Punk के बीच में, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन दोनों के बीच का एक काम था। CM Punk ने कॉल आउट करा था डायनामाइट के शो में Eddie Kingston को कि रैम्पेज में तुम मुझे फेस टू फेस कन्फ्रंट करना, और वो एक अपॉलोजी मांग रहे थे Eddie Kingston से क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट करा था CM Punk को। तो Eddie Kingston पहले तो आते नहीं, लेकिन जब वो आते हैं तो CM Punk को कहते हैं कि भाई देखो मैं जो था वो फिट नहीं था,
और मेरे को दो बार कोविड टेस्ट कराना पड़ा, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता था कि एक सीएम पंक से अपोलोजाइज करने के लिए मैं स्पेशली आता। और सीएम पंक, आखिर तुम हो कौन? तो पंक कहते हैं कि भाई देखो, मेरे को सारे लोग जानते हैं, ये बात तुम्हें भी पता है। तो एडी किंगस्टन कहते हैं कि सीएम पंक, समुआ जो और होमसाइड ब्रायन डैनियलसन, इन जैसे लोगों को मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता था, लेकिन एक पॉइंट के बाद इन लोगों ने मुझे जज करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं सीएम पंक को पसंद नहीं करता क्योंकि ये बंदे ने मुझे जज करा। और यहां पे सीएम पंक कहते हैं भाई एडी किंगस्टन को, जब हमने तुम्हारे अंदर 15 साल पहले पोटेंशियल देखी थी तो हमें भी लग रहा था कि ये बंदा अगले स्टैंडर्ड तक जा सकता है, उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन एक्चुअली में एडी किंगस्टन ने वो चीज कभी अचीव नहीं करी, एंड ही इज जस्ट अ बम, मतलब इसके बस की कुछ नहीं है भाई, ये कभी कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो एडी किंगस्टन के अगेंस्ट काफी बड़ी बात यहां पे सीएम पंक ने बोल दी थी, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एडी किंगस्टन कितना कुछ ऑन द लाइन रख के अपने करियर में कई सारे हर्डल्स को क्रॉस करके AEW तक पहुंचे हैं। तो वो यही बात कहते हैं, अगर एक बंदा AEW फुल गियर को मेन इवेंट कर चुका है, अपना ऑलमोस्ट घर बेचने वाला था कोविड में, लेकिन किसी तरीके से AEW के अंदर वो आया अपनी पोटेंशियल को लेके, और क्या ऐसा बंदा जो हो सकता है उसको हम एक बम बोलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली एडी किंगस्टन चैलेंज कर देते हैं सीएम पंक को, और वो कहते हैं कि भाई अगर इतना ही शौक है तुम्हें मेरे अगेंस्ट बोलने का, तो क्यों ना तुम मेरे से एक फाइट करो एट फुल गियर ऑन नवंबर 13। तो सीएम पंक पहले भाई ये कहते हैं कि एडी किंगस्टन, मैंने अभी तुम्हें बोला कि तुम उस लेवल पे नहीं हो, तो फुल गियर जैसा शो काम नहीं करेगा, तुमसे तो मुझे डार्क या फिर डार्क एलिवेशन पे लड़ना चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत बड़ी इंसल्ट थी एडी किंगस्टन की। तो एडी किंगस्टन यहाँ पे कहते हैं सीएम पंक को बहुत बार की फाइट मी, यू आर अ कावर्ड, तुम भाग रहे हो मुझसे। पंक पूछते हैं क्राउड से क्या ये मैच होना चाहिए, क्राउड चीयर करता है, और सीएम पंक कहते हैं भाई एडी किंगस्टन को दैट आई विल मीट यू ऑन नवंबर 13। लेकिन जैसे ही वो रिंग से बाहर जा रहे होते हैं, एडी किंगस्टन उनको रोकते हैं और कहते हैं देखो भाई, सिंपल सी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये मैच मैं हारूंगा या फिर ये मैच मैं जीतूंगा, लेकिन एक बात मुझे जरूर पता है, दैट आई एम गोइंग टू किक योर एस, और उसके बाद तुम मेरे पास बस एक प्लीज फेवर कर देना, 7 साल के लिए फिर से क्विट कर देना, और फिर कभी वापस मत आना। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, सीएम पंक एक हेडबट मारते हैं और ये ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक माइक वर्क बाय सीएम पंक एंड एडी किंगस्टन, और ये है वो सेगमेंट्स जो कि पर्सनल फ्यूड्स में होनी जरूरी है, और इतनी छोटी बिल्ड के बावजूद भी अब लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड है। इनके बीच में ब्रॉल देखने को मिली, और इस ब्रॉल में एडी किंगस्टन और सीएम पंक के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे भाई, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि कितना ज्यादा पर्सनल लेवल पे इस फ्यूड को दिखाया जा रहा है। तो आई थिंक ये मैच ऑफिशियल हो गया है, पंक अगेंस्ट एडी किंगस्टन फॉर फुल गियर। और गाइज, ये इकलौता मैच नहीं है जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, और भी बहुत ज्यादा अच्छा फुली स्टैक्ड कार्ड है जो कि हमें देखने को मिलेगा इस शो में। तो बात कर लेते हैं पहले AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप की, केनी ओमेगा अगेंस्ट एडम हैंगमैन पेज। काफी लंबे समय से बिल्ड करा जा रहा है, ये मैच पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पेज तब किसी वजह से नहीं आ पाए, ऑब्वियसली उनका जो है बच्चा हुआ है जैसे कि हम जानते हैं, और अब वो वापस आ गए हैं, तो दैट इज रियली गुड। इसके बाद हम बात करें तो लूचा ब्रदर्स अगेंस्ट FTR, एक और ऐसी फ्यूड चल रही है जो कि काफी लंबे समय से बिल्ड भी हो रही है, एंड इट इज फॉर द AEW वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। डार्बी एलन वर्सेस MJF, एक और ऐसा मैच जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। दो यंग स्टार्स हैं, और सारे लोग हमेशा कहते हैं कि भाई AEW के पास वही लोग हैं जो WWE से आते हैं, और उसके बल पे कंपनी चल रही है, लेकिन दिस इज अ मैच दैट प्रूव कि भाई दो बड़े टॉप क्लास फ्यूचर लेजेंड्स जो हैं इस कंपनी ने ऑलरेडी बना दिए हैं, MJF और डार्बी एलन। ये काफी बढ़िया मैच है, ऑब्वियसली किंगस्टन वर्सेस पंक है। इसके अलावा हमें इनर सर्कल अगेंस्ट अमेरिकन टॉप टीम देखने को मिलेगा। पिछले 2-3 हफ्तों में जो भी इन लोगों की कन्फ्रंटेशन हुई है, मुझे बहुत मजा आया देख के, जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है डैन लैम्बर्ट की, और अब वो भी उस मैच के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ये एक स्ट्रीट फाइट होगी, तो एक काफी केओटिक मैच हो सकता है। और फाइनली आता है ब्रायन डैनियलसन वर्सेस मीरो का मैच, जो कि AEW टूर्नामेंट का फाइनल होगा, यानी कि जो भी इसको जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा फॉर द टाइटल। आई थिंक जॉन मॉक्सली वाली सिचुएशन के बाद ये बेस्ट चीज थी जो कि AEW कर सकती थी, और ये मैच गाइस उन्होंने यहां पे हमको दे दिया, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। फुल गियर का पे-पर-व्यू बहुत ज्यादा मस्त हो सकता है, एक बहुत कमाल का कार्ड है, और पंक और एडी किंगस्टन की सेगमेंट ने डेफिनेटली प्रूव कर दिया है कि दिस मैच विल ऑलवेज बी वर्थ वॉचिंग। और उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज के 2 बड़े मैचेस ऑफिशियल कर दिए गए हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।